खबर पौड़ी से, गढ़वाल कमिश्नर शहर के प्रेक्षागृह में शहीदों को लेकर हुए भावुक, कहा शहीदों का बलिदान भारत माँ की है अपूर्व पूर्व सेवा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गढ़वाल कमिश्नर देश के लिए शहादत देने वाले शहीद कैप्टन दीपक सिंह पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। गढ़वाल कमिश्नर ने मंडल मुख्यालय पौड़ी में शहीदों के प्रति जताई अपनी संवेदना। बीते रोज ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए शहीद कैप्टन दीपक सिंह की शहादत पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे भावुक हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हम जहां भी हैं, जिस पद पर भी हैं अथवा बिना पद के भी, हम अपने देश के सर्वांगीण विकास को लेकर हमें मिलजुल कर कर्मठता से योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बलिदान और अपेक्षाओं के अनुरूप देश को मजबूत बनाना चाहिए। आज से 71 वर्ष पूर्व 1947 में 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था और पूरे देश ने आजाद वातावरण में सांस ली थी। साथियों, आजादी तो हमने अपने वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उनके परिश्रम से, उनकी शहादत से हासिल की, लेकिन आज भी उस आजादी को और अक्षुण रखने के लिए सीमा पर हमारे जवान 24 घंटे अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। आज मन में बहुत उमंग थी क्योंकि 15 अगस्त का दिन हम सब के लिए बहुत ही उमंग भरा होता है, लेकिन प्रातः काल के जब समाचार पत्र को देखा तो हमारे उत्तराखंड के ही एक सपूत संदीप की, जो कैप्टन थे, उनकी आज वीरगति को प्राप्त हुए हैं डोडा में आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए। बहुत भारी हृदय से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को, जो उनके ऊपर ये दुख का पहाड़ टूटा है, भगवान उनको उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथियों, हमने अंग्रेजों से खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।